दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बॉक्स टाइप रिले के कनेक्शन। बॉक्स टाइप रिले में हमारे चार पॉइंट होते हैं, ऊपर 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर। ये कॉमन बॉक्स टाइप रिले है जो सारे वॉकिंस, डीप्स, फ्रीजर और घर के एसी और जो हमारे घरों में फ्रिज होते हैं उनमें भी काम आती है। इसकी वायरिंग करके देखते हैं आज हम। इसकी वायरिंग बहुत सिंपल है, सबको समझ आएगी। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक रनिंग कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है और ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है। तो हमें हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए जिससे ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कमांड देते रहें। तो जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है उसकी एक तार हम 4 नंबर पर लगाएंगे और एक तार को हम 2 नंबर पे लगाएंगे। और जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसकी एक तार हम 4 नंबर पे लगाएंगे और दूसरी तार हम 1 नंबर पे लगाएंगे। इसके बाद हमारा रह जाता है जो हमारा न्यूट्रल फेस आएगा, जो हमारा मेन न्यूट्रल फेस आएगा वो हम कहाँ देंगे। जो हमारा मेन न्यूट्रल फेस आएगा उसको हम, जो हमारा न्यूट्रल होता है उसको हम 5 नंबर पे देंगे। 5 नंबर पे दे दिया और जो फेस होगा उसको 4 नंबर पे देंगे। 4 नंबर पे फेस दे दिया। इसके बाद अब हमारा रह गया कंप्रेसर कैसे स्टार्ट हो। तो कंप्रेसर के लिए हमें 3 वायर चाहिए, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। जो कॉमन वायर होगा उसको हम 5 नंबर पे देंगे और जो स्टार्टिंग वायर होगा उसको हम 2 नंबर पे देंगे। और जो हमारा फेस होगा, जो रनिंग वाइंडिंग को हम देंगे 4 नंबर से। तो इससे हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और कैपेसिटी के हिसाब से आप कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं जो कंप्रेसर पे कैपेसिटी लिखी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।